कॉन्फिडेंस ना कौमी क्रिकेट टीम में चाहिए, शायकीन में तो है, कौमी क्रिकेट टीम में कॉन्फिडेंस चाहिए। अच्छा सवेरा, जैसे बिल्कुल श्री कौमी क्रिकेट टीम में कॉन्फिडेंस से ज्यादा ना आई बिलीव एकता चाहिए, यूनिटी चाहिए, और वो यूनिटी क्योंकि 2022 हो जाए या 2021 यूएई में जब हमने खेला T20 वर्ल्ड कप, उस वक्त जो बात जो यूनिटी का लेवल था ना, मे बी वो यूनिटी का लेवल हम में, और जो भी इख्तलाफात हों कुछ भी हों, मगर इन सब लड़कों को ये पता होना चाहिए कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज फॉर अस टू विन, क्योंकि ये जो सारी प्रॉब्लम्स हैं ये सारी प्रॉब्लम्स फिजल आउट हो जाएंगी अगर हमने ऑनेस्टली ये एक मैच जीत लिया, क्योंकि पाकिस्तान टीम मोमेंटम पे चलने वाली टीम है, हमने अगर इंडिया से मैच जीत लिया तो हमें वो मोमेंटम मिल जाएगा एंड वी कैन गो थ्रू, क्योंकि बड़ा ओपन हो गया ये ग्रुप, दिस ग्रुप इज प्रिटी ओपन। जब कनाडा ने आयरलैंड को हराया है तो मतलब एवरीवन इज इन अ रेस, नेट रन रेट जरूर आएगा इन एक्शन, बहुत बहुत ही कोई मजेदार हो जाएगा बिल्कुल जब तक सुपर एट के लेवल पे पहुंचे। ठीक है सवेरा, शाहिद आफरीदी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। शाहिद भाई, ये सवेरा ने एक बात की है कि शायकीन तो बहुत पुरजोश हैं, लेकिन इनका ये मानना है चूंकि ये वहां पर पहुंची हुई है कि पाकिस्तान की इस टीम में यूनिटी मिसिंग है, इत्तेहाद की कमी नजर आ रही है। आप समझते हैं वाकई कहीं ना कहीं गुज़िश्ता चंद हफ्तों की अगर कारकर्दगी देखते हैं तो अभी तक वो कोई आपको भी एहसास होता है कि कहीं इत्तेहाद की कुछ कमी है और ये वाकई इससे असर पड़ रहा है टीम की कारकर्दगी पर? देखिए बहुत सारी चीजें होती हैं जो यहाँ पे, क्योंकि मोहम्मद वसीम ने सिलेक्शन कमेटी में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल दिया और बड़ा जबरदस्त रोल अदा किया मोहम्मद वसीम ने, उसको भी बहुत सारी चीजें पता है, मुझे भी बहुत सारी चीजें पता होंगी, सुहेल को भी पता होंगी, बहुत सारी चीजों को खुल के बोला जाता नहीं है, कह नहीं सकते, लेकिन कहने का मतलब यह है कि इन सारी चीजों की जिम्मेदारियां, क्योंकि मैंने भी कप्तानी की हुई है तो सुहेल भी टीम में साथ रहा है मेरे, मोहम्मद वसीम ने भी सारे पुराने क्रिकेटर्स के साथ, कप्तान होता है मेन, आपका लीडर होता है जो सबको अपने साथ लेके चलता है, या तो कप्तान टीम का माहौल खराब कर देता है या कप्तान टीम को बना देता है, मेरा ये बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव है। यहाँ पे ये कोचेज वगैरह ये बाद में आते हैं, लेकिन असल जो होता है वो कप्तान होता है, मेन अथॉरिटी कप्तान के पास होती है, कप्तान को जो असल सपोर्ट होती है वो अच्छे कोच मैनेजमेंट की जरूरत होती है, बाकी कप्तान लड़ाता है टीम को, कप्तान एक यूनिट बनाता है। नहीं जाना चाहता उन बातों में कि क्या कुछ है, क्या कुछ हुआ है, क्योंकि शाहीन के साथ एक मेरा ऐसा रिश्ता है कि मैं अगर कोई बात करूंगा भी तो लोग ये कहेंगे कि वो अपनी दामाद की फेवर कर रहा है, मैं इस तरह नहीं हूं, मेरे लिए जब कोई गलत है तो वो गलत है, चाहे दामाद हो, मेरा बेटा हो, मेरी बेटी हो, कोई हो, मैं मुझे कहते हुए कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन हमने ऐसी गलतियां हमारे बड़ों ने, हमारे सिलेक्शन कमेटी ने या बोर्ड ने बड़ी बड़ी गलतियां की हैं पिछले दिनों में, ये जब वर्ल्ड कप हो जाएगा फिर इंशाल्लाह खुल के बात करूंगा, लेकिन हमने बहुत इस यूनिट को हमने खराब की है, हमने खुद से, हमारे बोर्ड ने, हमारे सिलेक्शन कमेटी ने खराब की है इस यूनिट को। ठीक है सवेरा, ये जो अभी शाहिद साहब बात कर रहे हैं कि यूनिट खराब हुआ है, आप वहां पर मुख्तलिफ मुल्कों के लोग आए हुए हैं जिनसे आप मिल रही हैं, इंडियन जर्नलिस्ट जो हैं सहाफ़ियों से आपकी मुलाकात हुई है, पाकिस्तान के जो शायकीन क्रिकेट हैं वहां पर आपकी मुलाकात हुई है, तो ये जो कंसर्न है इस हवाले से, आपको लगता है कि जो बाहर से लोग आए हुए हैं क्रिकेट कवर करने के लिए, जिनका खेलों से ताल्लुक है, क्रिकेट से ताल्लुक है, वो भी इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं कि पाकिस्तान की टीम खराब हुई पड़ी है? जर्नलिस्ट जो होता है, जर्नलिस्ट बहुत स्मार्ट सा इंसान होता है जो कि नेट पे जाता है और नेट पे जाके रीड करता है बॉडी लैंग्वेज, नेट पे जाके देखता है कि प्लेयर्स कहां घूम रहे हैं, टीम होटल की लॉबी में जाके बैठ जाता है और सिर्फ ये देखता है कि कौन से प्लेयर्स कहां आपको इकट्ठे दिख रहे हैं, किस तरह की, अगर पूरी टीम का ग्रुप एक साथ है तो किसका मजाक का लेवल, और वो तो सारी चीजें ठीक है, मगर जब टीम फील्ड में उतरती है तब आपको सबसे ज्यादा दिखता है कि कहां क्या मसला हो रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि अब तो देखे ना, अब तो जो जितने कैमराज लगे हुए हैं, जिस तरह की एप्स हैं जिसमें कोई एड्स नहीं आते, आपको सारी चीजें दिख रही होती हैं, तो आपको पता चल रहा होता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, क्या जब यूएस के अगेंस्ट पाकिस्तान खेला तो बहुत सारी चीजें रेडेबल नहीं थी, मतलब सिर्फ हम नहीं, ये सिर्फ जर्नलिस्ट नहीं पढ़ पा रहे थे, इवन आम आवाम भी ये बात कर रही है कि क्यों इतना नाराज हो रहा है, क्यों इतनी बात हो रही है। इनफैक्ट मुझे कल ही एक फैन ने जो है वो कहा कि ऐसा लगता है जैसे बाबर आजम शिकस्त की वजह से बहुत डरे हुए हैं, तो उन्होंने एक
ना अपने ऊपर एक कवर चढ़ा लिया है स्ट्रेंथ का, स्ट्रांग होने का. वो क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है वो इतनी इरिटेट होके बात करते हैं, वो क्यों नाराज रहते हैं आप लोगों से? तो मतलब ये ऐसा नहीं है कि लोग देखते नहीं है, लोगों को बहुत समझ है, लोग बहुत दिलो जान से इस टीम को बैक करते हैं और उतना ही दिलो जान से इसके ऊपर, मतलब इसके ऊपर कड़ी नजर रखते हैं. तो सबको अंदाजा होता है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, कौन कहां क्या बात कर रहा है. आपको दिख रहा है कि नहीं जी, जब सुपर ओवर में प्लेयर्स चलते हुए बाहर आ रहे हैं तो गैरी कर्स्टन भी पलट के देख रहे हैं. मतलब एक 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 बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट इज देयर एंड इट्स अवेलेबल. और उसके बाद फिर जो सब कुछ ड्रेसिंग रूम में हुआ, मेरा से काफी इस शो पे भी सवाले से बात हो चुकी होगी कि जिस तरह की देखिए, जब जब टीम हारती है ये एक फैमिली है, बहस मुबाइसा होता है, बट जब डिसीजन मेकिंग की बात आती है और सीनियर प्लेयर्स की इन्वॉल्वमेंट की बात आती है कि सीनियर प्लेयर्स की बात सुननी चाहिए, एक थिंक टैंक होता है हर टीम का, कोई इंडिविजुअल नहीं होता, ये कैप्टन होता है बट कैप्टन के साथ ना एक थिंक टैंक होता है, मगर अगर वो थिंक टैंक उसको कुछ समझा ही ना जाए और अकेले अकेले अपने डिसीजंस अपनी जिद में लिए लिए जाए, तो मुझे लगता है कि इवेंचुअली वो जो थिंक टैंक होता है ना, वो कहता है ठीक है फिर ये हार रहा है, ये इसके अंडर टीम हार रही है और ये हमारा डिसीजन नहीं लेना चाहता, रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, आप एक दफा मशवरा देंगे, आप दूसरी दफा मशवरा देंगे, तीसरी दफा आप कहेंगे ही डज नॉट केयर, तो वो फिर मशवरे देना भी बंद हो जाते हैं. तो ये चीज बहुत रियलाइज करने वाली है. बिल्कुल. अच्छा वसीम, यही वजह है कि थिंक टैंक्स को सुना नहीं जा रहा है, या जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो एक जाहिर है इसमें यहाँ पर बहुत इम्पैक्ट करती है. परफॉर्मेंस जो नजर आ रही है पाकिस्तानी टीम की, स्पेशली यूएस के अगेंस्ट, बताई नहीं जाती. तो एनवायरनमेंट ऐसा है की जहाँ पे आप एडवाइस देते हुए आपको सबको बाहर से नजर आ रहा है, तो आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि टीम के अंदर क्या चल रहा होगा. कि अगर आप एक मशवरा देने की कोशिश कर रहे हैं और आप वेलकम ही नहीं है और आपको इस तरीके से मना किया जाता है, दूसरी दफा, तीसरी दफा, चौथी दफा, आप कितनी दफा करेंगे, फिर आप वो सिलसिला आपका रुक जाएगा. हाँ. दूसरा हमारा जो प्रॉब्लम है थोड़ा ब्लेम गेम का है. देखिए अभी शायद ने बात की है जी कि पहले जो कैप्टन्स थे, आप शायद का इंटरव्यू उठा के देख लें, वसीम अकरम का उठा के देख लें, जो जिन्होंने अचीव किया जिन कैप्टन्स ने, ठीक है ना, चलो शायद सामने इनकी भी बात है. कभी जिन्होंने कहा था जी कि हमारी जो बॉलिंग थी ना वो अप टू द मार्क नहीं थी, हमने बॉलिंग की वजह से हम मैच हार गए हैं, या हमारी शुरू में बॉलिंग अच्छी हुई या आखिर में बॉलिंग. एज अ कैप्टन जो आपके, हालांकि उसमें हकीकत हो, तब भी आप जो अल्फाज का चुनाव है ना बड़ा सोच समझ के करते हैं, चाहे वो पोस्ट मैच आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है या मैच के बाद जो आप इंटरव्यू दे रहे होते हैं, उसमें आप ना एक स्ट्रेटजी वाइज एक डिप्लोमेटिक किस्म का एक आप दे देते हैं आंसर जी, ठीक है हमें कुछ एरियाज बेहतर करने की ज़रूरत है. और आई हैव विटनेस दिस थिंग कि ये एक हमेशा बॉलिंग पे डाला गया मैच, हमेशा डाला गया और एक मौके पे बॉलिंग खड़ी हो गई हमारी कि भाई ये क्या हो रहा है कि हर मैच के अंदर बॉलिंग पे ही डाला जा रहा है, फेल आपकी बैटिंग हो रही है, 160 पे टीम आउट करें वो चेस नहीं होता, 180 पे चेज करें वो कब चेज करना. तो इस मैच यूएसए वाले मैच में भी कहा गया कि मिडिल ओवर्स में जो, मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना कि आपके जो अल्फाज है ना वो आपने बड़े सोच समझ के करने हैं, बेशक उसमें हकीकत हो, फिर भी कहाँ पे कहना है, कब कहना है, यही तो लीडरशिप की एक वन ऑफ द क्वालिटी आ जाती है ना आपकी. तो ये चीजें तो कम अज कम आप इम्प्रूव कर लें. और मैं फिर कहूंगा कि अब आप दिमाग बंद रखेंगे, आपके दिमाग की इनकमिंग बंद है, सिर्फ उसमें आउट गोइंग है, तो वो एक सर्टन लेवल तक आपको लेके जा सकती है, उससे आगे नहीं. जब आप फंसे हुए होंगे तो अभी जैसे मतलब वो सबसे डिस्टर्बिंग जो इंसिडेंट है ना कि जब आमिर कह रहा है जी कि ये बैट्समैन स्पिन को अच्छा खेलता है, तो क्या बॉलिंग की मीटिंग नहीं हुई थी मैच से पहले? उसमें एनालिस्ट ने नहीं बताया था कि ये बैट्समैन स्पिन को अच्छा खेलता है, ये इसके हिटिंग जोन है, ये पेस पे यहाँ पे हल्का है, दैट मीन्स कि शायद वो मीटिंग नहीं हुई. अगर मीटिंग हुई किसी ने सुना ही नहीं, ध्यान ही नहीं दिया होगा, अगर सुनाया तो अमल नहीं किया, अमल नहीं किया तो वो ये एक्सपोज कर रही है ना चीजें. तो फिर तो मैच कॉस्ट करता है ना सर इसके ऊपर, तो यही होता है उसके जवाब में मैच हारते हैं, टूर्नामेंट हारते हैं. यही चीज सबसे बड़ी जो है इम्प्रूव करना होगी.